आज हम लोग बात करेंगे नोनी सब्जेक्ट के ऊपर। जिन लोगों को नोनी के बारे में डिटेल में जानना है उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो जिस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ नोनी, नोनी रिसर्च, नोनी अराउंड द वर्ल्ड, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज एंड नोनी बेनिफिट्स, मतलब नोनी के फायदे। ये 5 सब्जेक्ट लेके आज हम लोग बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग। ये उस समय की बात है जब कुछ लोग निकले थे अपना नया साम्राज्य बसाने के। उन लोगों को आज हम पॉलिनेशियन के नाम से जानते हैं। कहां से आए थे वो लोग ये कोई नहीं जानता था, लेकिन साथ में वो लोग लेके आए थे कुछ ऐसे जादुई पौधे। उन्हीं में से एक पौधा था नोनी का पौधा, जिन्हें आज हम नोनी के नाम से जानते हैं। ये 2200 साल पहले का बात है। उन लोगों को तलाश थी एक ऐसे महफूज जगह की जहां जाके वो अपना साम्राज्य बसा सके, और उन्हें दिखा एक ऐसा अनोखा जगह, एक ऐसा अनोखा टापू जिसके चारों ओर ज्वालामुखी से घिरा हुआ था। और उसी जगह को आज हम हवाई बीच के नाम से जानते हैं, हवाई टापू। वो लोग वहां पे गए और धीरे धीरे अपना साम्राज्य बसाने लगे। किसी भी साम्राज्य बसाने के लिए पहला जो चीज़ चाहिए वह है पौधे का प्लांटेशन। वो लोग अपने साथ सारे ऐसे ज़रूरत के पेड़ पौधे सब कुछ लेके आए थे, और साथ ही में लेके आए थे ऐसे जादुई पौधे जिसे आज हम नोनी के नाम से जानते हैं। वो लोग इसे जादुई पौधे कहते थे क्योंकि उन लोगों को ये विश्वास था कि ये पौधा उनके पास ऐसे ही नहीं आया, भगवान ने उनके पूर्वजों को ये पौधा दान में दिया था। वो लोग सारे प्लांटेशन करने लगे, पेड़ पौधे लगाने लगे। धीरे धीरे काफी साल बीत गए, 200 साल बीत गए। उस समय में भी लोगों का तबीयत खराब होता था, लेकिन उस समय में कोई डॉक्टर नहीं था, तो वो लोग अपने लोगों का इलाज अपने तरीके से करते थे। उस समय में भी लोग इस फल के बारे में बहुत कुछ जानते थे, इस फल के बेनिफिट्स जानते थे, ये फल कैसे लोगों का इलाज करता था। वो लोग क्या करते थे, वो लोग ये फल लेते थे, इसमें से जूस निकालते थे, और जिसका तबीयत खराब होता था उनको ये जूस का सेवन करवा देते थे, और लोग ये जूस पी के बहुत जल्दी ठीक होने लगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीत गया, हजारों साल बीत गए, धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में कहीं ये खो गया। लेकिन इन 1958 हवाई में एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के टीम था। वो लोग रिसर्च कर रहे थे पाइनएप्पल के ऊपर कि कैसे पाइनएप्पल लोगों का हेल्थ इन्हेंस करते थे। तो वो लोग धीरे धीरे देखे, उन लोगों को पता चला इस नोनी के बारे में, तो वो लोग नोनी के ऊपर भी रिसर्च करने लगे कि इस नोनी के ऊपर बायोग्राफी लिखने लगे धीरे धीरे। और ये बात आग की तरह पूरे दुनिया में फैल गया, पूरे दुनिया में लोग धीरे धीरे इसके बारे में बात करने लगे, और पूरे दुनिया से बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्चर सब कोई हवाई आने लगे और इस फल के बारे में, इस पेड़ के बारे में बात करने लगे। एक टाइम था, एक समय था जब एक इंसान, एक बिजनेसमैन हवाई में आए और ये बात सोचे कि यहाँ पे तो पूरा खजाना है, क्यों ना इस नोनी को पूरे दुनिया में लेके जाया जाए, पूरे दुनिया के लोग इसके बारे में अवेयर हों। तो ये पहले इंसान थे जिस इंसान ने पहली बार इस नोनी फ्रूट को कॉमर्शियलाइज़ किए, इसको जूस में लेके गए।
और ये लोग मिलके एक बहुत बड़े बिजनेस स्टार्ट किए, सभी पार्टनर्स मिलके एक बहुत बड़े बिजनेस शुरू किए और धीरे धीरे वो बिजनेस चलने लगा, नोनी जूस का बिजनेस चलने लगा। पूरे दुनिया में लोग इसके फायदे के बारे में बात करने लगे और पूरे दुनिया में बिजनेस जैसा जैसे फैल सा गया। ये था नोनी का इतिहास, कैसे नोनी शुरू हुआ था और आज भी कैसे ये नोनी को इस्तेमाल करके लोग हेल्दी रहने लगे। तो चलिए बात करते हैं नोनी रिसर्च के बारे में। अगर रिसर्च का बात यहाँ पे उठता है तो पहली बार दुनिया में नोनी के बारे में जहाँ पे रिसर्च हुआ था वो यूनिवर्सिटी था, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई। और आज अगर देखा जाए नियर अबाउट 40 से भी ज़्यादा ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे नोनी के ऊपर रिसर्च अभी हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। USA Today में ये आर्टिकल निकला था कि हवाई यूनिवर्सिटी में कैसे रिसर्च हो रहा है नोनी के ऊपर। साथ ही में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्ल्ड नोनी कांग्रेस बोल के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जिस प्रोग्राम में हर एक देश हिस्सा लिए थे। इस प्रोग्राम में नोनी फॉर ग्लोबल वेलनेस आप देख सकते हो, वहाँ पे सर्टिफिकेट भी है। और हम लोग जानते हैं 2008 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने नोनी सर्च के ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च किया था। काफ़ी साइंटिस्ट इस रिसर्च में हिस्सा लिए थे, पूरे देश से, पूरे विदेश से हर एक साइंटिस्ट यहाँ पे हिस्सा लिए थे, आप देख सकते हो। यहाँ से सर ने हम लोगों को कुछ मैसेज भी दिया था इस लेटर के थ्रू, कैसे इस रिसर्च को वो लोग किए थे। सर का कुछ मैसेज इस लेटर में हम लोग पढ़ सकते हैं। और साथ ही में इस काम को, इस इनिशिएटिव को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए थे उस समय के हमारे प्रेसिडेंट, इंडिया के प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल मैडम। और हम लोग अगर थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च करें तो शायद इससे भी ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हुआ है इस चीज़ के ऊपर। और आज अगर इंटरनेट में ढूंढा जाए नियर अबाउट करोड़ों वेबसाइट हम लोग को मिल जाएगा जहाँ पे नोनी के ऊपर रिसर्च हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अराउंड द वर्ल्ड, कैसे नोनी पूरे दुनिया में मशहूर है। I was about 22, 23 years old is when I said, you know what, I'm gonna give it a try. So it was about 2 weeks after that where I just was like just more upbeat all the time. And I was like, man, that's gotta be it. Well, it's a special remedy used on a South Pacific island, and it just might keep you alive someday. It's an obscure fruit known as the aspirin of the ancients. Nuevo producto que promete belleza y bienestar. Some believe it cures everything from arthritis to cramps to cancer. It's high in antioxidants. It's a traditional Polynesian remedy for a variety of health conditions. The government is testing its effect on cancer patients. It literally helps to protect us against our aging of ourselves. It all began with a green tropical fruit called noni. What is noni juice? It's a fruit from, actually originated in Tahiti, and it works on a cellular level to re-energize all the cells. This food scientist named John Wadsworth discovered the properties. Their families say the juice has improved their health and their lifestyle. I feel like I have a lot more strength. It's completely changed my whole. The average person using Fit lost 22 pounds. That is a lot. I use Max to be able to get the benefits of winning naturally. Yeah, it's been my health secret. I drink it on a daily basis. I have to compete this so many times. I find it quite hard to recover, whereas when I was on the Noni juice, my recovery is very, very good. The launch of Tapoema's skincare products marked a unique celebration in the heart of Times Square. On hand, two-time Olympic gold medalist Katarina Witt. Sus cualidades ya han sido probadas hasta por famosos rostros de la televisión. It's an appetite suppressant and it tastes delicious. So now the whole deal here is healthy food, healthy, right? Healthy. I'm making over $100,000 a year by doing that on part-time hours. It's a little pick-me-up. I mix it with, you can mix it with any kind of favorite juice. To protect against microinflammation and damage caused by the sun. Tahitian Noni is seeking a record-breaking sales this year. Well, some are saying it's one of the healthiest foods. Plain warm water.
And before I have the warm water, I have 4 drops of noni juice, the concentrated noni juice. And it really gives me a lot of strength in the morning to cope with all the crazy stuff that I do the rest of the day. अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। नोनी के अंदर 200 से भी ज़्यादा बायोकेमिकल एक्टिव कंपाउंड्स मौजूद हैं, 150 से भी ज़्यादा न्यूट्रिसिटिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं। अगर हम देखें तो इसके अंदर विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन सब कुछ इसके अंदर पाया जाता है। पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, हर कुछ इसके अंदर पाया जाता है, कैल्शियम। और सबसे ज़्यादा नोनी के अंदर जो चीज़ पाया जाता है वो एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? हम लोग रेगुलर खाना खाते हैं, हम लोग रेगुलर मतलब हम लोग यहाँ वहाँ कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे फ्री रेडिकल होता है वातावरण में, मतलब टॉक्सिन, जो सिंपल भाषा में बोला जाए तो टॉक्सिन, खाने से, पॉल्यूशन से हमारे शरीर में टॉक्सिन घुस जाता है। इससे क्या होता है, इससे हम लोगों का जो सेल है, सेल धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, टॉक्सिन घुस जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें तो सेल को डिटॉक्सिफाई कर देता है एंटीऑक्सीडेंट। और साथ ही में नोनी के अंदर बहुत कुछ ऐसे बायो एंजाइम्स मौजूद है, जैसे प्रोजेरोनाइन, सेलेनियम, एमाइनो एसिड, जेरोनाइन, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे मौजूद है। सेलेनियम का काम क्या है, सेलेनियम का काम है एजिंग को रोक देना, एंटी एजिंग एजेंट बोला जाता है इसको। सेलेनियम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग कंज्यूम करें तो हमारे स्किन एजिंग, एंटी एजिंग एक एजेंट बोला जाता है इसको। 09 तो हम लोग जानते ही है, बॉडी का जो सेल है, सेल रीजेनरेशन प्रोसेस को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, सेल जल्दी से जल्दी तैयार होने लगता है, एक्टिव होने लगता है 09। और काफ़ी कुछ यहाँ पे मौजूद है। और अगर इससे डिटेल में जानना है कितने सारे, अगर हम लोग को कंपाउंड जानना है 150 न्यूट्रोसिटिकल्स क्या है नोनी के अंदर डिटेल्स में जानना है, तो हम लोग इस बुक का हेल्प ले सकते हैं, नोनी द गिफ्ट ऑफ नेचर। हम लोग को पता है ये बुकलेट में नोनी के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया गया है कि कितने सारे बायो एंजाइम्स नोनी के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स लेके। नोनी कैन प्रिवेंट अप टू 200 प्लस डिजीजेस, मतलब नोनी 200 से भी ज़्यादा रोगों को प्रिवेंट कर सकता है। एंड उनमें से टॉप 15 बेनिफिट्स ऑफ नोनी जूस, टॉप 15 हेल्थ बेनिफिट लेके आज हम लोग बात करेंगे। पहला हो गया अर्थराइटिस, अस्थमा, एनीमिया, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, डाइजेस्टिव डिजीज, माइग्रेन, नर्वस सिस्टम, ओबेसिटी, स्लीपलेसनेस, स्किन प्रॉब्लम्स, थायराइड, यूरिक एसिड और वीक इम्यून सिस्टम। ये 15 डिजीज़ लेके आज हम लोग बात करेंगे। अगर किसी को डिजीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा, हम लोग सिर्फ बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, कैसे जिन लोगों को ये रोग है उन्होंने जूस से बेनिफिट उठा पाते हैं, और जिन लोगों को इसके बारे में, रोगों के बारे में डिटेल में नहीं पता वो YouTube में इसके बारे में स्टडी कर ले। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में रोगों के बारे में नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिखाऊँगा आप लोगों को कि कैसे इसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि सच में नोनी जूस इस रोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो पहला जो रोग है वो आर्थराइटिस, तो देखते हैं आर्थराइटिस के बारे में नोनी कैसे बेनिफिशियल है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो नोनी लॉन्ग टर्म लास्टिंग आर्थराइटिस रिलीफ, मतलब यहाँ पे देख सकते हो नोनी वर्सेस आर्थराइटिस, कितने प्रकार का आर्थराइटिस होता है और कैसे नोनी जूस आर्थराइटिस के ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं हर एक आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग जाके वहाँ पे आर्टिकल स्टडी कर पाओ। मैं ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पे नहीं बताऊँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप चाहो तो गूगल में ट्रांसलेटर यूज़ करके, ये इंग्लिश में है, आप ट्रांसलेटर यूज़ करके इसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हो,
किसी भी लैंग्वेज में आप चाहो तो इसका अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो यहाँ से ऐसे। ओके तो चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अस्थमा के ऊपर। हम लोग जानते हैं ये कैसी बीमारी है, एक बहुत खतरनाक बीमारी है, और नोनी जूस के फायदे इस बीमारी के ऊपर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आर्टिकल में, रोल ऑफ नोनी इन अस्थमा। ओके अगर आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे तो अस्थमा क्यों होता है, अस्थमा कैसे होता है, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ ही में यहाँ पे आप देखोगे रोल ऑफ नोनी इन केस ऑफ अस्थमा। ओके कैसे नोनी अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप चाहो तो लिंक में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनीमिया के ऊपर। हम लोग जानते हैं एनीमिया कैसा बीमारी है, खून में रेड ब्लड सेल जो हीमोग्लोबिन है वो अगर घट जाता है तो ये बीमारी होती है, और नोनी जूस इस्तेमाल करने से इसका फ़ायदा क्या है हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रोल ऑफ नोनी इन एनीमिया, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। एनीमिया इज ए कॉमन ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कैसे नोनी कैसे इसको प्रिवेंट कर देता है, या एनीमिया पेशेंट को अगर दिया जाए नोनी तो कैसे बेनिफिट होता है। रोल ऑफ नोनी इन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, नोनी में हेल्प टू प्रोवाइड द आयरन फॉलिक एसिड इन नेचुरल फॉर्म, जिसके वजह से ये रोग होता है आयरन एंड फॉलिक एसिड डिफिशियंसी की वजह से, और नोनी में ये पाया जाता है आयरन एंड फॉलिक एसिड, जिसकी वजह से इसकी बीमारी में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैंसर के ऊपर। हम लोग जानते हैं कैंसर एक कैसे भयंकर बीमारी है, और नोनी जूस इस्तेमाल करने से इस जो पेशेंट है कैंसर के जो पेशेंट है उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। चलिए देख लेते हैं कैसे। ओके आप यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ है, और एंटी कैंसर एक्टिविटी यहाँ पे देखा गया है नोनी फ्रूट के ऊपर, कि कैसे नोनी फ्रूट इस्तेमाल करने से कैंसर सेल जो शरीर में जो कैंसर सेल पैदा होता है वो कैंसर सेल कैसे पैदा होना बंद हो जाता है, जनरेट होना बंद हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया है, यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, तो कैंसर पेशेंट बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर वो लोग नोनी इस्तेमाल करते हैं तो। अगर आपको डिटेल में ये थोड़ा रिसर्च पढ़ना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसीज। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम होता है हमारे पूरे बॉडी में, और बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज आज पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जिस डिजीज में लोगों का मौत होता है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इसके अंदर क्या क्या रोग आता है, इसके अंदर हार्ट अटैक आता है, इसके अंदर ब्लड प्रेशर भी आता है, इसके अंदर स्ट्रोक भी आता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो नोनी इस्तेमाल करने से कैसे ये सब चीज़ के ऊपर चीज़ों को फ़ायदा होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा आर्टिकल है, पूरे डिटेल में वहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो नोनी ऑन हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है क्यों ब्लड प्रेशर होता है, कैसे होता है, डिटेल्स पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्यों ब्लड प्रेशर कैसे होता है, और यहाँ पे देख सकते हो नोनी कीप्स हाई ब्लड प्रेशर इन कंट्रोल, क्योंकि नोनी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड बोल के कंपाउंड पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देता है। 09 भी आप बहुत ज़्यादा काम होता है यहाँ पे। सेरोटोनिन बोल के एक कंपाउंड पाया जाता है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है उसको क्योर करने के लिए, ठीक है। स्ट्रोक हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए, या किसी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज में नोनी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। एक बहुत ही जानी पहचानी एक बीमारी डायबिटीज़, अगर एक बार हो जाए तो इसका सॉल्यूशन निकालना तो नामुमकिन है, क्योंकि जिसको डायबिटीज़ है उसको सारी ज़िंदगी दवाई पे चलना पड़ता है, कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है।
लेकिन अगर कोई इंसान नोनी को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करे तो इस बीमारी में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है डायबिटीज़ से। तो कैसे नोनी इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ कंट्रोल होता है, आप हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल्स नोनी जूस, आप देख सकते हो यहाँ पे, इन लास्ट द 20 ईयर्स नोनी जूस, इन लास्ट द 20 ईयर्स नोनी जूस हैज़ बिकम पॉपुलर वर्ल्ड वाइड एज ए वेलनेस ड्रिंक। यहाँ पे देख सकते हो टाइप 2 डायबिटीज़ के दो टाइप होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 2 जो डायबिटीज़ पेशेंट्स है उन लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है नोनी जूस। और यहाँ पे पूरा रिसर्च है, डिटेल है कि कैसे नोनी जूस फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ये सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कहते हैं आयुर्वेदा में हर एक बीमारी का जड़ होता है पेट से। मतलब अगर पेट ठीक ठाक रहे तो 90% जो जितने बीमारी है सब बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो आज दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जिसके अंदर गैस होता है, अल्सर होता है। तो नोनी क्या सच में फ़ायदेमंद है इसके ऊपर, तो थोड़ा देखते थे। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो यूजेज ऑफ नोनी फ्रूट डाइजेशन प्रॉब्लम्स। नोनी फ्रूट कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ तो हम लोग देख लेते हैं नोनी फ्रूट डाइजेशन प्रॉब्लम में कैसे इसका इस्तेमाल होता है। नोनी फ्रूट में बहुत ज़्यादा बहुत कुछ पाया जाता है। इसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, प्रोज़ीरोनाइन पाया जाता है, पाइथोन केमिकल्स पाया जाता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए कुछ ऐसे एंजाइम हमारे शरीर को प्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि खाना जो है वो हजम हो। अगर खाना हजम नहीं होता है तब जाके गैस होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होता है। नोनी के अंदर इतना सारा अच्छा अच्छा चीज़ है, इतना सारा कंपाउंड्स है जो हमारे पेट में जो जिस डाइजेशन करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, जो एंजाइम चाहिए वो नोनी के अंदर है, वो बॉडी में अपने आप तैयार होने लगता है। इसके लिए गैस प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम सब सॉल्यूशन हो जाता है इसके अंदर। हेडेक या माइग्रेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, माइग्रेन का पेन, और नोनी इसमें मिरेकल काम करता है, मैजिकल काम होता है। जो लोग नोनी इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को माइग्रेन का पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हो, हेडेक्स नेचुरल रेमेडीज फॉर हेडेक्स, कैसे माइग्रेन और हेडेक्स क्योर होता है, ठीक है। और टू ट्रेडिशनल नेम्स फॉर नोनी हैव बीन पेन किलर ट्री एंड हेडेक ट्री। मतलब ये ट्रेडिशनल नेम है क्योंकि नोनी को पेन किलर भी कहा जाता है। हर एक पेन बॉडी का, जितने बॉडी में पेन्स है, फिजिकल पेन्स है, हर एक फिजिकल पेन नोनी से दूर होता है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा परसेंटेज है, पॉजिटिव परसेंटेज है। आप देख सकते हो यार 88% लोग पॉजिटिव है, जो लोग नोनी इस्तेमाल किए हैं वो लोग रिलीफ मिला है पेन में। क्यों मिला है डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम। हमारे पूरा शरीर हम लोग बात करते हैं, कुछ सेंस करते हैं, पूरा चीज़ हम लोग जो करते हैं ये एक सिस्टम के थ्रू होता है, जिस सिस्टम को बोला जाता है नर्वस सिस्टम। पूरे शरीर में 72,000 से भी ज़्यादा ये जो नाड़ियाँ होता है, 72,000 से भी ज़्यादा, जिसके थ्रू हम लोग कुछ भी चीज़ को सेंस करते हैं, और ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है हमारे शरीर में। लेकिन इस कभी 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 क्या होता है, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसके वजह से बहुत काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो नोनी इस्तेमाल करने से हम लोगों का जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। देखते हैं कैसे होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो नोनी जूस के अंदर क्या है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कैसे नर्वस सिस्टम को ठीक ठाक रखते हैं ये नोनी जूस। नोनी जूस हैज़ बीन हिस्टोरिकली यूटिलाइज फॉर ट्रीटिंग ए रेंज ऑफ अलाइनमेंट्स इंक्लूडिंग द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्व का जितना सारा प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नोनी कर देता है। अगर लॉन्ग टर्म नोनी को इस्तेमाल किया जाए तो नर्व प्रॉब्लम में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बात करते हैं ओबेसिटी। आज इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, हम लोग जानते हैं ओबेसिटी का प्रॉब्लम है।
और अगर ओबिसिटी है तो काफ़ी सारे बीमारी को हम इनवाइट कर देते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, हर एक बीमारी को हम लोग इनवाइटिंग कर देते हैं अगर ओबिसिटी है तो, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो नोनी जूस इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ओबिसिटी घटाने के लिए। ओके, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वेट लॉस इज नॉट सो डिफिकल्ट नाउ विथ नोनी, ए मिराक्यूलस फूड। ठीक है, डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे पूरा, वेट क्यों गेन होता है, क्यों ओबेसिटी बढ़ता है और सिम्टम क्या है और नोनी कैसे इसको ठीक करते हैं। आप देख सकते हो आप नोनी इंग्रेडिएंट्स आर वेरी सेफ एंड ईच इंडिविजुअल हैज इट ओन मिराकल ऑफ बेनिफिट्स फॉर पीपल हु आर सफरिंग विद ओवरवेट, कोलेस्ट्रॉल ओवरवेट, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। आप देखिए बीमारी लेके स्लीपनेसनेस, 70% इंडियंस आज इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, नींद ना आना, और नोनी इस्तेमाल करने से जो पेशेंट है उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है इस प्रॉब्लम में। आप यहाँ देख सकते हो नोनी फॉर ए रेस्टफुल स्लीप, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे, नोनी एंड इम्प्रूव्ड स्लीप, नोनी कैसे नींद को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम, द रिच विटामिन सी एंड एंटी बैक्टीरियल कॉन्टेंट वर्क्स वंडर्स फॉर स्किन, स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है नोनी जूस। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे नोनी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है बोल रहे हैं कि नोनी जूस इज़ ए पावर हाउस ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट एंड वर्क एज ए ग्रेट मॉइस्चराइजर इफ़ अप्लाइड ऑन स्किन, अगर स्किन में अगर इसको लगाया जाए काफ़ी अच्छा एक मॉइस्चराइजर है और दैट स्किन को ये ठीक करते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हो फाइट एजिंग, कैसे नोनी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, मिस वर्ल्ड, नोनी जूस जो है जिसके अंदर विटामिन सी है, सेलेनियम है जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। हम लोग बात करते हैं थायराइड के ऊपर, कैसे नोनी जूस इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थायराइड जो कि हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड दो तरह का थायराइड होता है। ओके, नोनी जूस बेनिफिट्स फॉर हाइपोथायराइड एंड अदर डिजीजेस, यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है नोनी कैसे थायराइड को ठीक करते हैं, जो लोग नोनी इस्तेमाल करते हैं थायराइड में बहुत ज़्यादा रिलीफ उन लोगों को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूरिक एसिड लेके, यूरिक एसिड एक बहुत भयंकर बीमारी है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है नोनी जूस यूरिक एसिड पेशेंट के लिए। ओके, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं गोट इज अ काइंड ऑफ अर्थराइटिस दैट इज कॉज्ड बाई द बिल्ड अप ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द जॉइंट, हम लोगों के जॉइंट में जब यूरिक एसिड होते हैं तब क्या होता है, तब वो जगह फूल जाता है, वो जगह एक ट्यूमर के जैसा बन जाता है, देखने में वो ट्यूमर लगता है लेकिन ट्यूमर नहीं होता है, यूरिक एसिड जमने के लिए होता है वो। तो डॉक्टर अंशुल भटनागर जो बात्रा हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट है, उन्होंने स्टडी करके एक चीज़ देखा है कि नोनी जूस यूरिक एसिड जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे जो ब्लड में यूरिक एसिड होता है उसका मात्रा घटा देता है, इसके लिए क्या होता है यूरिक एसिड में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है नोनी जूस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के ऊपर, रोग प्रतिरोध क्षमता, देखिए इसके ऊपर आर्टिकल दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंटरनेट में लाखों करोड़ों ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा इसके ऊपर आर्टिकल कि नोनी जूस कैसे रोग प्रतिरोध क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। और ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नोनी कॉम्बैट्स इन्फ्लेमेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी, नोनी कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो यहाँ पे बहुत सारा काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है कि नोनी जूस कैसे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है रिसर्च है यहाँ पे पूरा डिटेल्स। तो आज हम लोग बहुत कुछ सीखे इस वीडियो से, नोनी का हिस्ट्री से शुरू करके मतलब इतिहास से शुरू करके नोनी का फ़ायदे, नोनी इस्तेमाल करने के फ़ायदे, बहुत कुछ आज इस वीडियो में हम लोग देखें। और लास्ट हम मैं जिस बात करूँगा जिस चीज़ के ऊपर बात करूँगा वह है
इस नोनी को ट्री से बॉटल तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। एक नोनी को कॉमर्शलाइज करना, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है और हम लोग इतने बड़े प्रोजेक्ट लेके काम कभी नहीं कर पाते अगर हम लोगों के साथ स्मार्ट वैल्यू जैसा ब्रांड ना होता। स्मार्ट वैल्यू ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है आज से 15 साल पहले से स्मार्ट वैल्यू ने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव लेके काम किया था, हेल्थ एंड वेलनेस। जो ऑब्जेक्टिव लेके स्मार्ट वैल्यू ने इनिशिएटिव लिए थे वह उस समय में से नोनी का इस्तेमाल इंडिया में धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो लास्ट मैं एक वीडियो शेयर करूँगा जहाँ से नोनी को कैसे हम लोग हार्वेस्ट करते हैं, नोनी को कैसे हम लोग ट्री से बॉटल तक पहुँचाते हैं, उसी चीज़ के ऊपर वीडियो देख के आज हम लोग अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म करते हैं। कहानी है एक सुपर हेल्दी ड्रिंक की जो बना है नोनी फ्रूट से। नोनी फ्रूट की रिच कल्चरल हिस्ट्री 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये मूलतः साउथ ईस्टर्न एशिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच पाया जाता है। इसके अलावा ये पैसिफिक आइलैंड्स, साउथ ईस्ट एशिया, फिलीपींस और भारत जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स में भी मिलता है। भारत में इसे हम इंडियन मलबरी के नाम से जानते हैं। नोनी फ्रूट एक पावर हाउस है जिसमें 150 से भी ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो सभी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। स्मार्ट वैल्यू द्वारा बनाया गया नरिश नोनी आपको नोनी फ्रूट की सारी गुडनेस और पावर प्रदान करता है। नरिश नोनी आपको नरिश करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हुए आपकी बॉडी को रिवाइटलाइज भी करता है। ये स्ट्रेस को कम करता है और आपकी एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। नरिश नोनी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और आपकी बॉडी में सेल्युलर एक्टिविटीज को भी बढ़ाता है। इतना ही नहीं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है जो हार्मफुल रेडिकल से बॉडी का बचाव करते हैं। नरिश नोनी का ये सफर शुरू होता है फार्म से, जहां बेस्ट क्वालिटी के नोनी फ्रूट्स को प्रोसेसिंग के लिए हाथों से चुना जाता है। प्रोसेसिंग की सभी स्टेजेस के दौरान हाइजीन, क्वालिटी और प्योरिटी पे खास ध्यान दिया जाता है ताकि जो फाइनली पैक हो वो हो प्योर और बेस्ट। अगले चरण में नोनी फ्रूट को अलग अलग वेरिएशंस के हिसाब से प्रोसेस किया जाता है जो विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स और उनके बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। नरिश नोनी 3 अलग अलग वेराइटीज में आता है जो है नरिश नोनी गोल्ड, नरिश नोनी प्रीमियम प्लस और नरिश नोनी कोकम प्लस। नरिश नोनी गोल्ड बनता है नोनी फ्रूट, तुलसी और ब्राजीलियन नट से, जहां तुलसी देती है यूथफुल स्किन और इन्फेक्शन फैलाने वाले माइक्रोब से प्रोटेक्शन। वहीं ब्राजीलियन नट्स में मौजूद एमोलियन प्रॉपर्टी आपकी त्वचा को रूखेपन से बचाती है। नरिश नोनी प्रीमियम प्लस नोनी फ्रूट और अश्वगंधा का एक हर्बल मिश्रण है। अश्वगंधा आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, स्ट्रेस को रिलीव करता है, मानसिक शांति देता है और आपकी बॉडी को ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस प्रदान करता है। नरिश नोनी का तीसरा वेरिएंट है नरिश नोनी कोकम प्लस, जो आता है कोकम और नोनी फ्रूट के बेनिफिट्स के साथ। कोकम है एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिएंट्स का एक बेहतरीन सोर्स है जो लिवर, डाइजेशन और हार्ट के लिए एक इफेक्टिव टॉनिक की तरह काम करता है। फार्म से बॉटल तक नरिश नोनी पैक किया जाता है ताकि आपको मिले सेहत और स्वास्थ्य। स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स टू स्ट्रेंथन न्यू एज लाइफस्टाइल।